ओबीएस कहानी नंबर चार अब्राहमा साथे परमात्मा री वाचा। बाड़ा ते कई साल बाद संसारा विच बहुत सारे लोग रहा करो थे। सो एबू भी परमात्मा के खिलाफ और एक दूजे के खिलाफ पाप करो थे और सो सब एक ही भाषा बोलिया करो थे। इस खातर सो एक साथ कट्ठे हुए और एक नगर बनाने लगे और जेड़ा परमात्मा ने तिना के आदेश दिता था तिजरे अनुसार सो पूरे संसारा विच नहीं फैले। सो बहुत घमंडी थे, तीन आखे केड़ा जीवन जीना चाहिए इस बारे च सो परमात्मा रे आदेश का पालन नहीं करना चाहो थे, बल्कि तीन ने एक एड़ी मीनार बनानी शुरू कर दी जो स्वर्ग तक पहुंच सको। परमात्मा ने देखा कि ये अगर ये इकट्ठे मिली के बुरे काम करते रहे तो ये और भी बहुत सारे पाप वाले काम करने लग जाने। इज खातर परमात्मा ने तीन की भाषा कई अलग अलग भाषा बिच बदल दी और सो लोग सारे संसार बिच फैलाई दे। जो नगर बनाना तीनों ने शुरू किया था तिजखे बाबेल बोलिया गया। बाबेल मतलब गड़बड़ी। बहुत साल बाद परमात्मा ने अब्राम नावारे एक आदमी साथे गल की। परमात्मा ने तेसके बोलिया, अपना देश और अपना टब्बर छाड़ी कि तेस देश आखे चली जा जो हाँ ताखे दिखाऊंगा। हाँ ताखे आशीष देऊंगा और हाँ तंदे एक बड़ी बरादरी बनाऊंगा। हाँ तेरा नाम उच्चा करूंगा। जिन्हें ताखे आशीष देनी हाँ भी तेसके आशीष देऊंगा। जिन्हें ताखे श्राप देना हाँ भी तेसके श्राप देऊंगा। तेरे जरिए संसार की सब बरादरी आखे आशीष मिलनी। अब्राह्मा ने परमात्मा का आदेश मान्या। से अपनी जायदाद, अपने सेवादार और अपनी घरवाली सारे के साथे ले के कनान देश चली गया जो परमात्मा ने तेसके दिखाया था। जब अब्राम कनान देशा बीच पहुंचा तो परमात्मा ने तेसके बोलिया, अब्राम अपने चारों तरफ देख, ये सारा देश मैं ताखे देना और तेरे वंशजा ने हमेशा खतरीज पान के अधिकार रखना। तेबे अब्राम तेस देशा बीच बसीगा। मलिकी सिद्दक नावा एक आदमी था जो परमात्मा का सभी से बड़ा पुरोहित था। एक दिन जब अब्राम युद्ध करके आने लग रहा था तो मलिकी सिद्दक और अब्राम मिले। मलिकी सिद्दका ने अब्राम आखे आशीष दी थी और बोलिया, सभी से बड़ा परमात्मा जो स्वर्ग और धरती का मालिक है सिताखे आशीष दियो। फिर अब्रामा ने युद्ध बिच जीती दी सब चीजा का दसवां हिस्सा मलिकी सिद्दका दिता। कई साल बीत गए पर अबू तक भी अब्राम और सारे रे कोई पुत नहीं हुआ। परमात्मा ने अब्राम साथे गल की और फिर वादा किया। तिने ये वादा किया कि तेरा एक पुत पैदा होना और तेसरे वंशज आसमान रे इन तारे जितने होने। अब्राह्मा ने परमात्मा रे वादे पंदे भरोसा किया और परमात्मा ने घोषणा की कि अब्राहम एक धर्मी आदमी है। तेबे परमात्मा ने अब्राह्मा साथे एक वाचा बनी। वाचा दो लोगों बीच एक दूजे खातर काम करने का एक समझौता होवा। परमात्मा ने ये वादा अब्राह्मा साथे तेबे किया था जब अब्राहम सोने लग रहा था, पर से तेबे भी परमात्मा की गल सुनी सको था। परमात्मा ने यह वादा किया कि तेरी घरवाली सारे ते तेरे खातर एक पुत पैदा होना। हाँ तेरे वंश जाके ये कनान देश दऊंगा। पर एबू भी अब्राहम मारे कोई पुत नहीं था।